Let's start with the exercise 5C. Exercise 5C, word problem. See, in this exercise, basically, what you need to remember from the exercise 5A and 5B is this formula, minus B plus minus root B square minus 4AC upon 2A. What is the use of this formula? Yes, if you are not able to split the middle term, agar aapko easily factors nahi mil rahe hai, so we use this formula to find the two factors, to find the two values of x. ओके वैसे हर समय ये यूज नहीं होता, जनरली इक्वेशंस छोटे आते हैं जो आप इजीली मिडिल टर्म स्प्लिट कर सकते हो. अगर नहीं आता है कोई आगे वाले जैसे सम्स है टाइम स्पीड के वगैरह जिसमें नंबर्स बड़े होते हैं, तो देयर दिस फार्मूला विल बी हेल्पफुल टू यू. ये वर्ड प्रॉब्लम्स में आपकी चॉइस के ऊपर है, आपको यूज करना है तो करो, नहीं करना है मत करो, बट अदरवाइज जो सम्स आते हैं उसमें वो मेंशन करते हैं. अभी एमसीक्यू बेस्ड आपका टेस्ट है तो इसमें क्या पैटर्न होगा ये आपको बाद में पता चलेगा. उसमें वर्ड प्रॉब्लम नहीं, एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट में आपको सेक्शन ए सेक्शन बी ऐसा कुछ होगा वो सब पता नहीं है ना आपको, जब पता चलेगा तब. चलो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट क्वेश्चन नंबर वन. यस समवन रीड द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर मी. हाँ पढ़ो पढ़ो. फाइंड द कंसेक्यूटिव पॉजिटिव. ये तीन की वर्ड है इसलिए मैं लिख रहा हूं. इवन टू कॉन्जिकेटिव पॉजिटिव इवन नंबर. सबसे पहले कॉन्जिकेटिव का मतलब क्या होता है? आगे पीछे जो नंबर आते हैं, ठीक है. कॉन्जिकेटिव मीन्स वॉट द नंबर विच कम इन अ सीक्वेंस, मतलब सीक्वेंस में जो नंबर आते हैं, ठीक है, जैसे कि 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, सब कॉन्जेक्यूटिव नंबर्स है. ओके सो दीज आर कॉन्जेक्यूटिव नंबर्स. इवन का मतलब 2, 4, 6, 8. अगर मैंने एक नंबर को x लिया तो नेक्स्ट इवन नंबर क्या होगा? x प्लस 2 होगा, बिकॉज इवन नंबर्स के बीच में का जो गैप होता है दैट इज 2. ओके डिफरेंस बिटवीन द टू इवन नंबर्स इज 2, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने एक ऑड नंबर को x लिया तो नेक्स्ट ऑड नंबर क्या होगा? x प्लस 3. अच्छा anyone who is attending online would like to answer, अगर एक एक नंबर x है तो नेक्स्ट ऑड नंबर क्या होगा? अगर एक नंबर ऑड में भी अगर एक नंबर x है तो नेक्स्ट ऑड नंबर विल बी x प्लस 2. सुनो समझो, अगर ऑड नंबर 3 है तो नेक्स्ट ऑड नंबर क्या है? 5. क्या किया आपने? प्लस 3 किया, यहाँ पे 2 किया ना. 5 के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर 7, नेक्स्ट ऑड नंबर 9. तो आप एक ऑड नंबर से दूसरे ऑड नंबर में जाने में 2 का ही तो डिफरेंस है, और अगर आप इवन में भी जाओगे तो भी 2 का ही डिफरेंस आता है. तो आपने अगर एक नंबर को x लिया है तो नेक्स्ट ऑड नंबर क्या होगा? x प्लस 2. दोनों में ऑड या इवन दोनों में जो डिफरेंस होता है दो नंबर के बीच में वो 2 ही होता है ना, ठीक है. डिफरेंस 2 ही होता है. आप ये मत देखो कि ये 2 इवन है कि ऑड है, वो मत देखो. 2 एक डिफरेंस है, 2 एक डिफरेंस है. जैसे आपका फर्स्ट नंबर अगर 5 है तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा? 5 प्लस 2 होगा ना, ऑड. नेक्स्ट ऑड नंबर 5 प्लस 2 होगा, दैट इज 7. ये 2 थोड़ी वहां पे काम आया, नंबर तो ये है ना जो ऑड और इवन है कि नहीं, तो सिर्फ डिफरेंस है. ओके ये चीज एक ख्याल रखना कि ऑड और इवन दोनों के लिए डिफरेंस 2 ही होता है, ठीक है. वैसे यहाँ पे है नहीं सम लेकिन आ सकता है एग्जाम में, थोड़ा सा ट्विस्ट कर सकते हो. ओके पॉजिटिव का मतलब आपको अच्छे से पता है. सो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इवन, तो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इवन नंबर्स के लिए मैं क्या लूंगा? लेट द नंबर्स बी x एंड x प्लस 2, ठीक है.
ठीक है. नाउ व्हाट डज द क्वेश्चन से? द सम ऑफ हूज स्क्वायर्स, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ दीज नंबर्स, इन दोनों नंबर के स्क्वायर का सम. इनका स्क्वायर मतलब पहले x स्क्वायर और x प्लस टू का स्क्वायर, और इनका सम. सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ दीज टू नंबर्स इज हाउ मच? 452. 452 है. 452. नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस. ये एक्सपांड होगा a प्लस बी द होल स्क्वायर के फॉर्मूला से. सो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. सॉल्व दिस इक्वेशन. इसको मैं रिड्यूस कर सकता हूं इक्वेशन को. आई कैन टेक टू कॉमन हियर, या डिवाइड बाय टू बोलते हैं उसे, डिवाइड बाय टू भी कर सकते हो, एक ही चीज है. सॉरी सॉरी, मैंने टू लिख दिया ना यहाँ पे. 452 448, और 448 का हो जाएगा 224 equals 0. अब ये 2 तो यहाँ पे 0 से डिवाइड हो जाएगा, एंड 0 डिवाइड बाय 2 इज 0, तो उसको आप भूल ही जाओ, डायरेक्ट आप यही कॉपी करो. नाउ यू हैव टू फाइंड द फैक्टर्स. ओके, जिनको मिल गया है वो ठीक है, जिनको नहीं मिला वो ध्यान दो. 224 के फैक्टर्स चाहिए, आप चाहिए तो फॉर्मूला यूज कर सकते हो, ठीक है, बट छोटे छोटे नंबर के लिए फॉर्मूला करके स्टेप्स बढ़ जाएंगे आपके, ठीक है. 224 के फैक्टर आप कैसे ढूंढ सकते हो? सी. कैसे ढूंढेंगे हम? कैसे ढूंढेंगे फैक्टर्स? जिनको नहीं आ रहा है, जिनको नहीं क्लिक हो रहा है, उनके लिए आप क्या करो, इसको 2 से डिवाइड करो, ठीक है. तो 2 × 112 होगा, करेक्ट. अब इसको नंबर्स को, ये जो ये नंबर है ना, इसमें से 2 हटाओ और इसमें ऐड करो. मतलब 112 डिवाइड बाय 2 कितना होता है? 56. और ये जो 2 यहाँ पे आपने फैक्टर निकाल दिया ना, वो इस 2 से मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 4. सी, 2 × 112 कितना होगा? 224. 4 × 56 कितना होगा? 224. मतलब जो 2 इसके पास है वो निकाल के मैंने इससे मल्टीप्लाई किया, जिससे मैं उस नंबर को छोटा कर रहा हूँ. मैं फैक्टर्स ढूंढ रहा हूँ अलग अलग, ठीक है. तो 56 में से 2 इसमें दे दो तो ये 8 हो जाएगा, और 56 क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? मेथड समझ रहा है? वापस एक बार करके दिखा दो, देखो थोड़ा सा आपको और क्लिक होगा अच्छे से ये, बिकॉज ये यूजफुल है, छोटे नंबर्स में ये काम आता है. तो 224 है तो मैंने लिखा इसको 2 × 112, 112 में से 2 यहाँ दो तो 4 × 56, 56 में से यहाँ दो 8 × 28, और आपको देखते रहना है मुझे डिफरेंस कितना चाहिए. 2 का चाहिए, अभी तक नहीं आया डिफरेंस 2 का, ठीक है. एक और 2 यहाँ पे देता हूँ, 16 × 14, अब आया डिफरेंस 2 का, तो बस यही मेरा आंसर है. बिल्कुल. सो 16 एंड 14 मुझे चाहिए -224 एंड +2. सो मैं फैक्टर्स क्या लूंगा? +16 -14. +16 − 14. सो x स्क्वायर +16x -14x −224. पॉजिटिव नंबर्स बोला आपको क्वेश्चन में, प्लस हो जाएगा, यू विल गेट एक्स माइनस 14, एक्स प्लस 16 इक्वल 0. दिस विल गिव यू 2 वैल्यूज ऑफ एक्स, सो यू विल गेट x minus 14 equals 0 or x plus 16 equals 0, x equals 14 or x equals minus 16. इसके आगे मैं बताऊंगा, पहले इतना करो.
आई गॉट एक्स एज 14, ठीक है, 16 तो मैं यूज नहीं कर सकता, नेगेटिव है, ठीक है, तो एक्स मुझे 14 मिला. अब मेरे नंबर्स क्या थे जो स्टार्टिंग में मैंने लिया था, एक्स और एक्स प्लस टू थे नंबर्स, तो एक्स मेरा 14 है, तो एक्स प्लस टू क्या होगा, 14 प्लस 2 That is 16. तो ये मेरा दूसरा नंबर है और ये मेरा पहला नंबर है. तो आपको स्टेटमेंट लिखना है लास्ट में. दिस इज अ वर्ड प्रॉब्लम, तो लास्ट में स्टेटमेंट आना चाहिए. देयरफॉर द टू नंबर्स आर 14 एंड 16. Next sum. Question number 2. Yes, read the question. The sum of two numbers is 9. ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे? See, आपको आपको कोशिश करना चाहिए that you have to keep use one variable, जिससे आपका सम थोड़ा सा easy हो सकता है. ठीक है, जैसे अभी आपको दो से भी करोगे तो कोई problem नहीं है. ठीक है, but अगर आप एक variable से करोगे तो एक equation कम बनता है. जैसे आपको बोला है कि sum of two numbers is 9, बरोबर? You can take one number as x and another number will be 9 minus x. ऐसे ही होता है ना, जैसे समझो अगर 9 में से एक नंबर 5 है, दूसरा नंबर क्या होगा? 9 minus 5, that is 4, क्योंकि दोनों numbers का addition 9 है ना, correct? तो इसीलिए हम क्या करेंगे यहाँ पे? Let the two numbers be x and 9 minus x. See. आप लोग अगर एग्जाम में नहीं क्लिक हो रहा है, कंफ्यूजन हो रहा है, कुछ भी है, तो आप एक्स और वाई भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, बट ये चीज भी आनी चाहिए. द सम ऑफ टू नंबर्स इज 9, दो नंबर को ऐड करके 9 मिलता है. दो नंबर्स को ऐड करके 9 मिलता है. ठीक है, हमें नहीं पता वो दो नंबर्स कौन से है, तो मैंने एक नंबर को एक्स लिया. ठीक है, तो जो दूसरा नंबर होगा वो क्या होगा? टोटल 9 है ना, 9 में से x को माइनस कर दो, तो जो बचेगा वही आपका दूसरा नंबर होगा. आपको कैसे पता फर्स्ट नंबर 4 है? मैंने एग्जांपल लिया था. फर्स्ट नंबर 3 भी तो हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. ठीक है, तो आपने फर्स्ट नंबर को x लिया है, तो आपका दूसरा नंबर हो जाता है 9 माइनस x. ठीक है, तो दीज आर योर टू नंबर्स. व्हाट फर्दर? 18 times the sum of the reciprocals, मतलब 18 times मतलब 18 multiply होगा. Sum of the reciprocal of both the numbers. Reciprocal मतलब 1 upon x, 1 upon 9 minus x is how much? 9. तो ये 18 को divide कर देते हैं. 9 upon 18. ठीक है. Now take LCM on the left hand side. LCM मतलब cross multiply होगा basically. अब LCM समझते हो ना, ठीक है ना, बिकॉज डिनोमिनेटर सेम नहीं है, डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई एंड द डिनोमिनेटर्स विल मल्टीप्लाई विद ईच अदर. एंड यहाँ पे मैं कैंसिल कर सकता हूँ 9 वन जा 9 टू जा, सो आई विल गेट 1 अपॉन 2.
तो 9 upon 9x minus x square equals 1 upon 2. Yes, Pariksha, you can take two numbers as x and y and you can solve it, no problem. एक मिनट, कुछ तो गड़बड़ हुआ है. क्या मिल रहा है इक्वेशन? एटीन प्लस ही है ना ऑलरेडी. मैंने इन दोनों टर्म्स को यहाँ पे शिफ्ट किया लेफ्ट हैंड साइड. एटीन के फैक्टर्स क्या होंगे? सिक्स थ्री जा, बट आपको प्लस 18 चाहिए. दोनों को नेगेटिव रखो तो मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव हो जाएगा. ओके, और ऐड करेंगे तो माइनस 9 मिलेगा. See, अगर आंसर 6 और 3 दोनों मिल रहा है, दोनों पॉजिटिव है, ठीक है, तो अगर आपने x को 3 लिया तो आपका दूसरा नंबर क्या होगा? x 9 माइनस x इज योर सेकंड नंबर. तो 9 माइनस x मींस 9 माइनस 3 दैट इज 6. सो योर टू नंबर्स आर 3 और 6. एक नंबर x है और दूसरा नंबर 9 माइनस x है, ठीक है. और बस ऐसे ही लिखो ना जैसे मैंने लिखा है. और अगर फॉर एक्स इक्वल 6 आपका सेकेंड नंबर क्या होगा? 9 माइनस एक्स दैट इज 9 माइनस 6, तो आपसे 3 मिलेगा. तो अभी भी आंसर क्या मिला? एक नंबर एक्स 6 है, दूसरा नंबर 3 है. तो नंबर आर 6 और 3, सेम ही आंसर मिला बेसिकली. Therefore, the two numbers are
ये पीछे पास कर दो बस कुछ नेक्स्ट सम क्वेश्चन नंबर थ्री क्वेश्चन नंबर थ्री पे अटेंशन यस शान रीड करो क्वेश्चन नंबर थ्री The difference of the square of two numbers is 112. तो अभी यहाँ पे हमें दो वेरिएबल लेना ही पड़ेगा ठीक है There is no option here. So let the two numbers be x and y. The difference between the square of two numbers. तो मतलब x square minus y square is how much? 1 1 क्या मैं यहाँ पे y square minus x square लिख सकता हूँ कहाँ है नेगेटिव y का वैल्यू मैं आपको बोल रहा हूँ कि क्या मैं इक्वेशन ऐसे बना सकता हूँ कैसे भी बना सकते हैं हम इक्वेशन क्योंकि x और y हमारे नंबर है अगर मैंने बोला कि x y से बड़ा है मैंने अज्यूम किया तो मैं x पहले लिखूंगा अगर आपने अज्यूम किया कि y x से बड़ा है तो आप y पहले लिखोगे ठीक है तो इसमें कुछ गलत नहीं है सही नहीं है आप हाँ जनरली हमेशा x को बड़ा नंबर लेते हैं ठीक है जनरली हम हमेशा x को बड़ा नंबर लेते हैं इसलिए हम x को पहले लिखते हैं ओके बट यू शुड नो दैट इट डजंट मेक अ डिफरेंस बिकॉज x एंड y अज्यूम्ड वेरिएबल्स है नहीं होता डिफरेंस लास्ट में आंसर सेम आता है So x square minus y square is 112. ठीक है. Second statement read करो, Shyam. The square of the smaller number is 9 times. The square of the smaller number कौन सा है? Y. तो y का square is आगे क्या है? 9 times the larger number. 9x. Correct. तो मुझे क्या मिला? Y square equals 9x. इसको हम इक्वेशन वन नाम दे देते हैं यहां पे लिखते हैं पुट वाई स्क्वायर इक्वल्स 9x इन इक्वेशन वन सो वापस एक बार बताओ ना वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 112 क्यों नहीं ले सकते ले सकते हैं क्यों नहीं ले सकते ऐसा कुछ भी नहीं है आप ले सकते हो y square minus x square आपने अगर assume किया है that y is greater than x है आपने अगर y को बड़ा number assume किया है तो आप y पहले लो आपने अगर x को बड़ा number assume किया है तो आप x लो पहले समझ गए आप कुछ भी ले सकते हो अब y square equals 9x है मतलब यहाँ y square की जगह पे मैं 9x लिख दूंगा ये जो equation है x square minus y square is 112 यहाँ पे y square की जगह पे I will write 9x ठीक है अब ये बन गया इक्वेशन बन गया सीधा आपको फैक्टर ढूंढने पड़ेंगे 112 के ठीक है मैंने आपको बताया फैक्टर कैसे ढूंढता है खुद से ढूंढो फैक्टर ढूंढने दो बाकी बच्चों को जरा दिमाग लगाने दो माइनस चाहिए हमें माइनस 9 चाहिए तो मैं माइनस 16 और प्लस 7 लूंगा ठीक है एक बेसिक इंफॉर्मेशन याद रखो जो फैक्टर्स आप लेते हो ना उसका ऑपोजिट साइन का आपको आंसर आता है आपके एक्स की वैल्यूज होगी 16 और माइनस 7 हमेशा ऐसे होता है
जो फैक्टर्स आप लेते हो ना उसके ऑपोजिट साइन आपका एक्स की वैल्यूज होती है जो आपको आने वाली है, ऐसे होता है। तो पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, नेगेटिव नहीं लेंगे। सो एक्स इज 16। अब आपको वाई ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। तो वाई स्क्वायर इक्वल्स 9x था, तो वाई स्क्वायर इक्वल्स 9 इंटू 16, स्क्वायर रूट ले लो सीधा, तो 3 इंटू 4 हो जाएगा, तो y इक्वल्स 12। क्योंकि हमें पॉजिटिव नंबर्स बोला होगा ना क्वेश्चन में, नहीं बोला है पॉजिटिव नंबर्स? एक मिनट, क्वेश्चन रीड करो। आप हाँ, ये y12 आ गया सबको, ठीक है। तो आपके दो आपके नंबर्स आपको मिल गए, ठीक है। अगर आप पूछ रहे हो, आपका क्वेश्चन है कि x को अगर -7 लेंगे तो क्या होगा, ये -7 की वैल्यू। सबसे पहले तो क्वेश्चन में उन्होंने मेंशन नहीं किया ना कहीं पे पॉजिटिव या नेचुरल नंबर जैसा कुछ भी नहीं बोला है, ठीक है। तो y स्क्वायर इक्वल्स 9x है, y स्क्वायर इक्वल्स 9 इंटू -7, तो y स्क्वायर इक्वल्स 9 7 -63। तो स्क्वायर रूट नहीं ले पाएंगे नेगेटिव नंबर का, तो ये सॉल्व ही नहीं होगा आगे, तो वी हैव टू लीव इट। नहीं नहीं, जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है आपके नंबर, मतलब कर भी सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे इतना जरूरत। अगर दोनों नंबर्स पॉजिटिव आते हैं ना तो करना पड़ता है, दोनों पॉजिटिव आएंगे तो 100% करना पड़ेगा। यहाँ पे ये डेड हो गया। स्टेटमेंट लिखो लास्ट में, देयरफॉर द टू नंबर्स आर 16 एंड 12, यही मिला ना, 16 एंड 12। वैल्यूज ऑफ द टू नंबर्स आर 16 एंड 12, एक्स एंड वाई तो हमने अज्यूम किया था। नेक्स्ट सम, चलो लेट्स आई स्टार्ट विद द नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 4। यस प्रिया, रीड स्टेटमेंट। द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स इज 208 एंड एकदम सेम समय है, एकदम सेम समय है, ये आप लोग होमवर्क करोगे, ठीक है। एकदम सेम ही है, थर्ड जिसे किया था वैसा ही, इसलिए मैंने सिर्फ कोई भी बिकॉज प्लस ही है तो फर्क नहीं पड़ता। आप मतलब आपने अगर x लार्जर नंबर लिया है तो आप यहाँ पे एक्स स्क्वायर इक्वल्स 18y करोगे, अगर आपने y लार्जर नंबर लिया होता तो आपका ऐसा इक्वेशन बनता, बिकॉज स्क्वायर ऑफ द लार्जर नंबर इज 18 टाइम्स द स्मॉलर नंबर, है ना, वो डिपेंड करेगा, ठीक है। Question number 5, yes, read.
अच्छा टू डिजिट नंबर वाला समय है, टू डिजिट का पहले थोड़ा सा रिवीजन कर लेते। याद है टू डिजिट आपने नाइन्थ स्टैंड में किया था एक साल पहले। तो सी लेट से देर इज ए नंबर 23, ओके। तो 23 अगर एक नंबर है, दिस इज द यूनिट्स प्लेस एंड दिस इज द टेंस प्लेस, ठीक है। यूनिट्स प्लेस का मतलब क्या है, उस नंबर की प्लेस वैल्यू होती है। जैसे ये नंबर है 3, इसकी प्लेस वैल्यू है 3 × 1, दैट इज 3। यूनिट मतलब 1 होता है, ठीक है। टेंस मतलब इंटू 10 हो जाता है। तो इस नंबर की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 2 × 10, दैट इज 20। ये इसकी प्लेस वैल्यू है, ओके। आपने बहुत बचपन में पढ़ा है, 5th-6th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा शायद प्लेस वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं इस नंबर की वैल्यू अगर मुझे चाहिए, ठीक है, तो मैं वैल्यू कैसे निकालता हूँ, टेंथ डिजिट को करते हैं, सो टेंथ डिजिट गेट्स मल्टीप्लाइड विथ 10 एंड यूनिट डिजिट किससे मल्टीप्लाई होता है, 1 से। तो आपको ये करके आपको नंबर की वैल्यू मिलती है, 20 + 3 आपको मिलता है 23, ऐसे मिलता है आपको नंबर। ये नंबर की वैल्यू होती है। तो अगर नंबर अननोन है मेरे लिए, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, लेट द टेंथ डिजिट बी एक्स एंड यूनिट डिजिट बी वाई। तो ये नंबर बन जाता है 10x + y, ओके। तो आपको अगर क्वेश्चन में कभी भी आया ओरिजिनल नंबर, या आपको सिर्फ नंबर बोल दिया, या कभी टू डिजिट नंबर बोल दिया, तो आप क्या यूज करोगे, 10x + y, ठीक है। सुन लो पहले फिर कॉपी करना। अब अगर मैंने इस नंबर को, इस डिजिट्स को रिवर्स किया, मतलब ये डिजिट को रिवर्स, मतलब ये 32 बन जाएगा, ठीक है। मतलब अब 10 इस नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब x और y को आपने इंटरचेंज कर दिया, y यहाँ पे आ गया और x यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो अगर आपको क्वेश्चन में बोला इंटरचेंज्ड नंबर या रिवर्स नंबर, तो आपका नंबर क्या बन जाएगा, 10y + x, ठीक है। और अगर आपको क्वेश्चन में ऐसे बोला सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ टू डिजिट नंबर, सम ऑफ द डिजिट्स क्या है, ये और ये डिजिट्स है, इनका सम, मतलब जैसे अगर इस 23 के लिए बोलूं सम ऑफ द डिजिट्स क्या होगा, 2 + 3, दैट इज 5। वैसे कोई अननोन नंबर के लिए सम ऑफ द डिजिट्स क्या होगा, x + 5, सम ऑफ द डिजिट्स इज x + 5, ठीक है। ये 3 पॉइंट्स लिख दो, ये काम आएंगे हर टू डिजिट सम में। x होता है आपका 10th डिजिट, प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स मतलब x × y, वो भी लिखना है तो लिख दो। प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स भी लिखना है तो लिख सकते हो, वरना इतना तो लिखी दो एटलीस्ट। यस, क्वेश्चन रीड करें। आपको कोई भी फ्रेज क्वेश्चन में आ सकते हैं, कभी ओरिजिनल नंबर लिखेंगे, कभी नंबर लिखेंगे, कभी टू डिजिट नंबर लिखेंगे, तो सबके लिए आपको 10x + y ही यूज करना।
यस क्वेश्चन नंबर 5 रीड करो कोई प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स इज 24 तो मतलब आपको पहले ऐसे स्टेटमेंट लिखना होता है हर सम के लिए टू डिजिट सम के लिए लेट द टेंथ डिजिट बी एक्स एंड यूनिट्स डिजिट बी वाई पॉजिटिव है ना हमारा आंसर भी पॉजिटिव आएगा नंबर्स भी पॉजिटिव होंगे तो प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स इज हाउ मच 24 मतलब एक्स वाई इज 24 करेक्ट यस नेक्स्ट इफ 18 इज सबट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर कौन सा नंबर ओरिजिनल नंबर जो नंबर है नॉर्मल 24 कोई नंबर नहीं है 24 तो प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स है ठीक है 18 इज सबट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर नंबर तो आपको पता ही नहीं है तो नंबर को हम क्या लेते हैं 10x plus y लेते हैं नंबर को if 18 is subtracted from this the number becomes reverse 10y plus x बन जाता है वो ठीक है सिंप्लीफाई दिस सी मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल देता हूं समझो 23 समझो एक नंबर है 32 ठीक है 32 में से अगर आप 11 माइनस करोगे तो क्या आंसर आएगा 20. नहीं तो ये क्वेश्चन गलत हो गया 32 में से अगर आप 9 माइनस करोगे तो क्या आएगा 23 ठीक है तो इसके लिए वो क्वेश्चन कैसे बना सकते हैं कि व्हेन 9 इज सबट्रैक्टेड फ्रॉम अ टू डिजिट नंबर द डिजिट्स गेट रिवर्स्ड समझ रहे हैं यही आपका क्वेश्चन है यहाँ पे व्हेन 9 इज सबट्रैक्टेड फ्रॉम 32 क्या हो गया वो डिजिट्स रिवर्स हो गया 23 आंसर आ गया बस ये ऐसा ही क्वेश्चन है यहाँ पे 24 टू डिजिट नंबर नहीं है 24 प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स है उसका कोई यहाँ पे वैल्यू नहीं होती जैसे यहाँ पे 32 अगर आपका नंबर है तो प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स क्या होगा 3 × 2 = 6 होगा ठीक है इसको सिंप्लीफाई करो 10x plus y minus 18 इसको मैं यहाँ पे शिफ्ट करता हूँ -10 -x = 0 सो 9x -9y -18 = 0 आई कैन टेक 9 कॉमन हियर x माइनस y इक्वल्स टू ये 9 आपको पता है चले जाएगा 0 के नीचे और वो 0 बन जाएगा 0 अपॉन 9 इज नथिंग बट 0 ये आपको सेकंड इक्वेशन आया ठीक है अब आप किसी की भी वैल्यू किसमें भी पुट कर सकते हो अब बेटर होगा देखो आप x की वैल्यू यहां से ले लो आपको x क्या मिलेगा y प्लस टू एक्स क्या मिला y प्लस टू ठीक है और इस फर्स्ट वाले को नाम 1 दे दो Now put this in equation 1. Put x equals y plus 2 in equation 1. So xy equals 24 है ना इसमें x की जगह पे कर दो put y plus 2. This will become y square plus 2y equals 24. So y square plus 2y equals minus 24 equals 0. Split the middle term. हमें प्लस टू चाहिए तो मैं 6 को प्लस लूंगा और 4 को माइनस बिकॉज आई वॉन्ट पॉजिटिव नंबर इन द मिडल तो y प्लस 6 माइनस 4 कॉमन y प्लस 6 हमेशा दो ब्रैकेट सेम आते हैं सिर्फ पॉजिटिव वाला ही आंसर लेंगे हम y आपको -6 मिलेगा या y 4 मिलेगा ये तो यूज नहीं होगा
y इक्वल्स फोर आप यूज करोगे. तो x क्या मिलेगा, x इज y प्लस टू, मतलब फोर प्लस टू सिक्स, तो आपको x मिला सिक्स. x मतलब टेंथ डिजिट सिक्स है, यूनिट्स डिजिट फोर है, तो आपको स्टेटमेंट लिखना है फाइनल. देयरफॉर द टू डिजिट नंबर इज नंबर इज द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ थ्री कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स. थ्री कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स बोला है, ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव थ्री कॉन्जिकेटिव नेचुरल नंबर्स. ठीक है, नेचुरल नंबर्स का मतलब नंबर्स पॉजिटिव होंगे. नेचुरल नंबर्स वन से स्टार्ट होते हैं तो वो पॉजिटिव ही होंगे. ओके, और कॉन्जिकेटिव तीन नंबर्स बोला है. तो अगर एक नंबर को मैं एक्स लूंगा, आगे रीड करो एक बार क्वेश्चन. उन्होंने क्वेश्चन में बोला है टेक द मिडल नंबर एज एक्स, क्वेश्चन में बोला है आगे. तो मिडल नंबर अगर एक्स होगा तो नेक्स्ट नंबर एक्स प्लस वन होगा, और इसके पहले वाला नंबर x माइनस वन होगा. नहीं, वो इवन और ऑड के लिए होता है, यहाँ पे नॉर्मल नेचुरल नंबर्स बोला. तो आप यहाँ पे लिखो लेट द थ्री नंबर्स बी x, x माइनस वन एंड x प्लस वन, दीज आर योर थ्री नंबर्स. ओके, फिर क्या बोला है, वापस रीड करो एक बार स्टेटमेंट. स्टार्टिंग का हमें इक्वेशन बनाना, सम ऑफ स्क्वायर्स मतलब तीनों के स्क्वायर्स का सम कितना है, फोर थ्री फोर. एक्स माइनस वन का स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी, वैसे एक्सपांड करना है, एक्सपांशन के फॉर्मूला से ओपन करना है. तो और क्या लिखूं, मतलब
कोई भी नंबर जैसे एग्जांपल दो ना, नेचुरल नंबर्स के बीच में गैप कितना होता है? वन का ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवन. क्वेश्चन नंबर सेवन, रीड करो. A natural number is 2 to the power 3 more than its reciprocal. ये थोड़ा सा स्टेटमेंट आपको कंफ्यूज कर सकता है. A natural number is 2 to the power 3 मोर देन इट्स reciprocal. ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है. A natural number, मुझे नहीं पता कौन सा natural number है, तो let the number be x. ठीक है. नाउ दिस नंबर x इज 2 to the power 3 मोर देन इट्स रेसिप्रोकल. मतलब खुद के रेसिप्रोकल से वो 2 to the power 3 ज्यादा है. ओके okay? मतलब ये जो नंबर है वो खुद के रेसिप्रोकल से कितना ज्यादा है? 2 to the power 3. समझ रहा है मैंने क्या लिखा है? खुद के रेसिप्रोकल से कितना ज्यादा है? 2 to the power 3. ठीक है, 2 to the power 3 क्या बन जाएगा? 8 upon 3 बन जाएगा. ओके, सो 1 upon x plus 8 upon 3. अब इसे हमें इसका एलसीएम लेना होगा. तो 3 plus 8x upon 3x, 3x यहाँ पे जाके 3x square बन जाएगा. एंड शिफ्ट दिस नंबर्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, यू विल गेट अ इक्वेशन. नाउ स्प्लिट द मिडिल टर्म ऑफ दिस इक्वेशन. यहाँ पे लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, दिस फर्स्ट टर्म एंड दिस टर्म विल गेट मल्टीप्लाइड विद ईच अदर. जब दोनों जगह पे टर्म्स होते हैं ये और ये, तो 3 और -3 मल्टीप्लाई होगा, आपको -9 के फैक्टर्स ढूंढने. तो 9 into 1, -8 चाहिए तो -9 लो और +1. जब क्वेश्चन में बोला है कि पॉजिटिव नंबर्स आप लेना है, आपको अज्यूम करना है, टेक टू कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव नंबर्स, तो उसमें आपको पॉजिटिव ही लेना है. ठीक है, जब मेंशन नहीं किया है तो आपको दोनों लेना है. अभी सब में देखते हैं अभी क्या दिया है. A natural number बोला है तो natural number positive ही होता है. तो हमें x क्या मिला? 3. बस ये ढूंढना था ना, हो गया सब. Done.
I'll erase it. Question number 8. Is it two digit wala sum hai? Just read Bhumi. A two digit number. Suno sab log dhyan se. A two digit number is 4 times the sum of its digits. Is 4 times the sum of its digits. ठीक है, मैंने सिर्फ वर्ड्स में लिखा है आपको समझने के लिए. तो टू डिजिट नंबर मतलब मैं क्या लिखूं यहाँ पे? टू डिजिट नंबर मतलब 10x plus y होता है. इट इज 4 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट्स, मतलब सम ऑफ द डिजिट्स मतलब x plus y होता है. सी टू डिजिट नंबर क्या होता है? 10x plus y. और सम ऑफ द डिजिट्स क्या होता है? x plus y. तो ये हमारा इक्वेशन बन गया फर्स्ट. समझ गया, आपको सिर्फ इक्वेशन लिखना है. ओके, और इसके पहले आपको ये भी लिखना होता है, लेट द टेंथ डिजिट बी एक्स. तो थोड़ा सिंपलीफाई कर देता हूं मैं. सिक्स एक्स इक्वल्स थ्री वाई, तो थ्री को डिवाइड कर देते तो टू एक्स इक्वल्स वाई आ जाएगा. ये मुझे मिल गया टू एक्स इक्वल्स वाई, या वाई इक्वल्स टू एक्स. हाँ, सेकेंड क्या दिया इक्वेशन बताओ? एंड इट्स 16, मतलब यही टू डिजिट नंबर ही है, मतलब टू डिजिट नंबर कॉमन वर्ड है. टू डिजिट नंबर इज 16 मोर देन द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स. टू डिजिट नंबर जो है वो क्या है? 16 मोर देन मतलब 16 ऐड होगा. 16 मोर देन मतलब 16 ऐड हो गया. किस में ऐड करना है? प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स मतलब क्या होता है? एक्स वाई. सो द टू डिजिट नंबर इज 16 मोर देन द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स. ओके, अब इसमें कुछ सॉल्व नहीं कर सकते. अब इसमें क्या करेंगे? ये मेरे पास ऑलरेडी रेडी है, वाई इक्वल्स टू एक्स. सो पुट वाई इक्वल्स टू एक्स, यहां पे पुट कर दो सीधा. अभी इक्वेशन बन जाएगा, आपको उसे सॉल्व करना है. मुझे इक्वेशन मिल गया, क्या है? 2 तो डिवाइड हो गया. दिस इज योर इक्वेशन, स्प्लिट द मिडिल टर्म. फैक्टर्स फॉर 8 विल बी 4 इंटू 2. साइन क्या लूंगा मैं? दोनों को माइनस लेना पड़ेगा बिकॉज मुझे प्रोडक्ट पॉजिटिव चाहिए और सम नेगेटिव है, माइनस 6. तो माइनस 6 कैसे मिलेगा? माइनस 4 माइनस 2 इज माइनस 6. हाँ, तो आपको लास्ट में जाके एक्स्ट्रा आएगा, लास्ट में जाके कॉमन लेना ही पड़ेगा. आपने नहीं लिया कॉमन तो आपको फैक्टर्स क्या मिला? चेंज कर दिया. अगर आप लेते तो कैसा होता बताया? जो आपका, जैसे मैं यहाँ पे बनाता हूँ, ये दो आंसर आया मुझे, तो आपको एक कोई एक ब्रैकेट ऐसा आता, समझो फर्स्ट ब्रैकेट है ना, x माइनस 2, आपको ऐसा आता 2x माइनस 4 आता. तो इसमें से आपको 2 कॉमन लेना ही पड़ता, लास्ट में जाके 2x माइनस 2 हो जाता. तो x की दो वैल्यूज आई और दोनों पॉजिटिव है तो दोनों को कंसिडर करना पड़ेगा. x की दोनों वैल्यूज आई है, दोनों पॉजिटिव है, तो मैं एक बार पहले फॉर x इक्वल्स 2, y क्या होगा? 2x. सो y विल बी 2 इंटू 2 दैट इज 4. और फिर फॉर x इक्वल्स
4. That is it. So, मतलब दो दो आंसर आ रहे हैं. एक बार x 2 और 4 आ रहा है और एक बार x 4 और 8 आ रहा है. तो आप स्टेटमेंट में लिखो, therefore the two numbers are 2 and 4 or 4 and 8. दोनों आंसर लिखना पड़ेगा आपको. नहीं सॉरी, आपको टू डिजिट नंबर है ना ये, दिस इज अ टू डिजिट नंबर ना, सो टू डिजिट नंबर विल बी, हाँ ऐसे लिखना पड़ेगा. देयरफॉर द टू डिजिट नंबर इज 24 और 48. दिस विल बी द आंसर. I'll repeat, I was on mute. First statement says the numerator of a fraction is 2 less than the denominator. ठीक है, तो numerator x है और denominator में से अगर 2 कम कर देंगे तो that is the numerator. Numerator is 2 less than the denominator. Okay? Numerator is 2 less than the denominator. Second equation says if 3 is added to both the numerator and denominator. मतलब denominator और denominator दोनों में मैं 3 add करूंगा तो क्या होगा? The fraction increases by 1/18. Fraction increases by 1/18. मतलब fraction की value क्या है? X upon y ये fraction की value है. ठीक है? तो इस value ये increase हो गई. कितनी increase हो गई? 1/18 से increase हो गई. The value of the fraction increased by 1/18. तो ये मेरा second equation बनता है. अब because इसमें variables ज़्यादा है तो थोड़ा calculation में time लगेगा. मतलब x के ये मेरे पास ready है. X is y minus 2. इसको सीधा put कर दो इसके अंदर.
जहां जहां पे x दिख रहा है वहां पे y माइनस टू, नहीं पहले पुट करो, वेरिएबल सेम कर दो, कहां x प्लस y इक्वल टू, हाँ चलेगा, सो y प्लस वन अपॉन y प्लस थ्री इक्वल्स y माइनस टू अपॉन y प्लस वन अपॉन, ठीक है। अब इसमें थोड़ा आपको ध्यान से लेना पड़ेगा एलसीएम वगैरह, पहले राइट हैंड साइड को सॉल्व करो, पहले राइट हैंड साइड में एलसीएम होगा, यहाँ पे पहले यहाँ पे एलसीएम होगा, एटीन वाई माइनस थर्टी सिक्स प्लस वाई अपॉन एटीन वाई, एटीन वाई प्लस वाई इज नाइनटीन वाई माइनस थर्टी सिक्स अपॉन एटीन वाई। अब सिंप्लीफिकेशन हो गया है, अब सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना होगा, एटीन वाई इंटू वाई प्लस वन एंड y प्लस थ्री इंटू नाइनटीन वाई माइनस थर्टी सिक्स, एटीन वाई स्क्वायर प्लस एटीन वाई इक्वल, ये कैसे होता है, जो फर्स्ट टर्म है वो पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होता है, तो नाइनटीन वाई स्क्वायर माइनस थर्टी सिक्स वाई, एंड दिस ये थ्री है वो भी पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, तो थ्री इंटू नाइनटीन इज फिफ्टी सेवन वाई, थ्री इंटू थर्टी सिक्स इज वन जीरो एट माइनस वन जीरो एट, शिफ्ट एवरीथिंग ऑन सेम साइड, माइनस एटीन वाई स्क्वायर माइनस एटीन वाई, तो 19 वाई स्क्वायर माइनस 18 वाई स्क्वायर इज वाई स्क्वायर, माइनस 36 प्लस 57, 57 माइनस 36 इज 21 माइनस 108, फाइनली ये इक्वेशन मिला है। अच्छा माइनस 18, ओके ओके, अच्छा माइनस 36 प्लस 57 21 वाई होगा, माइनस 18 वाई, तो 21 माइनस 18 3 वाई होगा, वाई स्क्वायर इक्वल जीरो। अब 108 को मुझे स्प्लिट करना है, थ्री डिफरेंस होना चाहिए, तो 2 इंटू 54, 4 इंटू 27, 3 यहां से भेज देंगे, तो 4 थ्री जा 12, 12 इंटू 9, 12 इंटू 9, 12 9 जा 108, और 12 को पॉजिटिव रखेंगे और 9 को नेगेटिव, बिकॉज मुझे प्लस 3y चाहिए, क्या मिला, दो आंसर्स क्या मिले,
नहीं क्या माइनस माइनस प्लस फ्रैक्शन नेगेटिव आ जाएगा आपको देख तो अच्छा वाई नाइन मिला इफ वाई इज नाइन एक्स विल बी एक्स इज सेवन सो देयरफॉर द फ्रैक्शन इज सी क्या होता है पता है फ्रैक्शन में आप नेगेटिव वैल्यू लेते हो ना तो फ्रैक्शन की वैल्यू चेंज हो जाती है जैसे आपको अगर आंसर मिला है समझो आपने y is equals to minus 12 लिया ठीक है तो आपको x मिल रहा है minus 14 ठीक है तो आपका फ्रैक्शन बन गया minus 14 अपॉन minus 12 ओके तो अब आपने इसको सिंप्लीफाई कर दिया तो आपका फ्रैक्शन पॉजिटिव बन जाएगा y अपॉन 6 विच इज इनकरेक्ट ये फ्रैक्शन ही गलत है अभी कैसे पता चला गलत है क्योंकि बड़ा नंबर कौन सा है x के y x x क्या था x इज y माइनस टू बरोबर मतलब न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से आपको फ्रैक्शन में न्यूमरेटर क्या मिल रहा है बड़ा मिल रहा है तो ये गलत है साइन की वजह से ये प्रॉब्लम हो जाती है नेगेटिव के वजह से ये हुआ है एक्चुअल में ये करेक्ट आंसर है माइनस 14 अपॉन माइनस 12 या मतलब नेगेटिव साइन में नहीं कैंसिल करूं ना तो इसके हिसाब से माइनस 14 छोटा है माइनस 12 से तो ये करेक्ट है मतलब अगर आपको दो आंसर चाहिए ना तो आपको दूसरा आंसर आपका ये होगा आप कैंसिल कर सकते हो बट आपको आंसर ये रखना पड़ेगा तो ये राइट आंसर है आपका क्योंकि माइनस 7 इज लेस देन माइनस 6 आइडियली बट माइनस 7 अगर कट कर दिया तो वो गलत हो जाता है हाँ 7 बड़ा हो जाएगा तो इसीलिए एक्चुअली ये करना ही नहीं नेगेटिव का टेंशन ही मतलब आंसर इज 7/9 ठीक है चलो लास्ट सम लास्ट सम इज वेरी इजी इनफैक्ट इसकी सॉल्विंग मैं इक्वेशन बनाऊंगा सॉल्व आप लोग करोगे प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स विच आर मल्टीपल्स ऑफ 6 मतलब एक हाँ मल्टीपल ऑफ 6 कैसे होते हैं 6 12 18 ऐसे मतलब उनके बीच में 6 का डिफरेंस होता है मल्टीपल्स ऑफ 6 में तो अगर मैंने एक नंबर को x लिया तो दूसरा नंबर होगा x प्लस 6 ठीक है लेट द नंबर्स बी x एंड x प्लस 6 उनका क्या बोला है प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स प्रोडक्ट क्या बोला है प्रोडक्ट इज 1080 The product of two consecutive natural numbers is 1080. बस हो गया. Factors ढूंढने पड़ेंगे. Formula लगा दो. Formula लगाना है तो एक सम में तो at least लगा दो. कोई use ही नहीं हुआ formula. लगा दो formula. A is 1, B is 6, and C is 1080. So x is minus b plus minus root. B square minus 4 A C की जगह पे minus 108 आएगा upon 2 into 1 so minus 6 plus minus 36 ये minus minus plus हो जाएगा 4 into 1080 कितना होगा 320 4320 upon 2 36 ऐड होगा तो 4356 अपॉन 2 ओके अब 4356 का आपको स्क्वायर रूट ढूंढना होगा
कैसे ढूंढते हैं, फोर डिजिट है तो टू डिजिट नंबर का स्क्वायर होगा ये, देखो रफली ऐसे ढूंढते हैं, 50 का स्क्वायर क्या होता है, उससे बड़ा है, ठीक है, 60 का स्क्वायर क्या होगा, ओरली करना है ये, मैं से आपको लिख के दिखा रहा हूँ, 3600 है उससे भी बड़ा है, ठीक है, 70 का 49 है तो इससे कम है, ठीक है, तो 60 और 70 के बीच में है, ओके, तो सिंपल, तो आपको क्या ट्राई करना है, लास्ट में 6 आ रहा है ना यहाँ पे, तो नंबर के पीछे 6 ही होगा, तो 66 से आप चेक करके भी देख सकते हो, आ जाएगा आपको आंसर। तो एक बार ऐड होगा और एक बार सबट्रैक्ट होगा, उन्होंने टू कॉन्सेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स बोला, तो नेगेटिव नहीं लेना, सॉल्व भी नहीं करना है, फाइंड द नंबर्स, एक्स अगर 30 है देयरफॉर द टू नंबर्स आर 30 एंड 36। That's it for today. We'll stop here.